हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 26 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, द टर्म तीर्थांकर इज एसोसिएटेड विद, शब्द तीर्थांकर किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है जैनिज्म के साथ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। तीर्थांकर जो होता है, ये टोटल 24 तीर्थांकर थे जैनिज्म में। पहले तीर्थांकर थे ऋषभदेव और 24th तीर्थांकर कौन थे, महावीर। इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 6 इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मीन्स मित्र शक्ति 6 जो है सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच होता है। तो ये होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। और ये आरंभ हुआ है आज से, मीन्स 26 मार्च से लेकर और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। और ये कहाँ पर हो रहा है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा है, ये इस बार हो रहा है श्रीलंका में, और इसमें बिहार रेजिमेंट पार्टिसिपेट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री टीम हैज क्लिंच्ड द 2019 सैफ वोमेन चैंपियनशिप। सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इंडिया ने। अब देखिए, सैफ के बारे में सबसे पहले जान जाइए, सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और सैफ इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाला टीम है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारा जितना भी साउथ एशिया का कंट्री वो सारा पार्टिसिपेट करता है। भारत लगातार 5 बार विनर रहा है इसका। और इस बार का जो 2019 का सैफ वुमेन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये किया गया था नेपाल में। और नेपाल को ही हराकर इंडिया इस बार का 2019 का हराकर चैंपियन बना है, और 2018 में बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिमी कार्टर हु इज़ द न्यूज़ रिसेंटली इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो जिमी कार्टर जो अभी सुर्खियों में है, ये कौन से देश के रहने वाले हैं, तो ये USA के रहने वाले हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिमी कार्टर जो है ये 39th प्रेसिडेंट है, कहाँ के, USA के। ये 39th प्रेसिडेंट है USA के, और ये पहला व्यक्ति बन गए हैं USA के जो सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा हैं। इनका एज अभी हो रहा है आपको 94 साल 172 डेज। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था HW बुश का, आपको पता होगा बुश के बारे में, जो 2018 में मर गए थे। इनका एज कितना था, 94 साल 171 दिन, 171 डेज के थे, तो इनको क्रॉस कर गए हैं। और जिमी कार्टर जो हैं USA के सबसे ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करमबीर सिंह, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इन इंडिया। हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी सावंत। और ऐसा किया इसलिए गया है ताकि जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड जेंडर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, उसको प्रेरित करने के लिए इनको एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट स्टील गार्बेज बिन्स। हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, हु इज द रिसिपेंट ऑफ 2019 टेम्पलेटेशन प्राइज। हाल ही में 2019 टेम्पलेटन प्राइज किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है मार्सिलो ग्लेशियर को। अब यहाँ पर देखिए, ये
मार्सेलो ग्लेशियर को मिला किस लिए है? ये ब्लेंडिंग साइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच में काम किए थे उसके लिए इनको मिला है, और ये पहले अमेरिकन हैं जिनको टेम्पलेटन प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन चाइना एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, जो आपको पता होगा कि सी पैक जो बन रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, मतलब बना रहे दोनों कंट्री, उसमें इटली भी ज्वाइन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर LET? हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर को जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। दीक्षा डागर जो हैं, ये हैं इंडियन डेफ गोल्फर हैं ये, ठीक है, डेफ गोल्फर हैं ये, यंगेस्ट बनी हैं सबसे कम उम्र का, इनका 18 साल उम्र हुआ है, ठीक है, ये रिकॉर्ड बना है अभी, और सेकेंड इंडियन हैं गोल्फर हैं जो कि ये टाइटल ली हैं। तो पहली कौन थी? तो पहली लेने वाली थी इसको आदिति अशोक। आदिति अशोक जो थी ये पहली ऐसी इंडियन है जिनको लेडीज यूरोपियन टूर जीती थी। उसके बाद सेकेंड बनी है कौन? दीक्षा डागर। और सबसे अगर पूछा जाएगा कि यंगेस्ट कौन है, तो दीक्षा डागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ESPN क्रैनेफो हैज टायर्ड अप विथ विच IIT टू लॉन्च सुपर स्टार AL टूल्स टू एनालाइज क्रिकेट स्टेटिक्स? देखिए, ESPN क्रिकेट किन्फो ने हाल ही में किस IIT के साथ मिलकर सुपर स्टैट AL टूल का निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इसमें क्या होगा कि जो आपको पहले डाटा जो मिलता था, एक ही ऐप में आपको ग्राफ भी मिलेगा, कितना रन हुआ, बॉलिंग आपको क्या एवरेज है, ये सब कुछ एक ही ऐप में आपको मिलेगा। तो ये इसका इस टाइप का जो ऐप है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया? IIT मद्रास के स्टूडेंट ने इसको बनाए हैं, तो वो ESPN के द्वारा, यहाँ पर ESPN और ये दोनों के बीच में टाई अप हुआ है और ये लॉन्च किया जा रहा है ESPN द्वारा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन का। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कल का सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंडिया रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस, मतलब कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 140। ए करेक्ट आंसर हो गया। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द शौर्य चक्र 2019? तो शौर्य चक्र 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इरफान रमजान शेख को किया गया है। ये मतलब कि आप 18 साल की उम्र के थे, ठीक है, तब इनको 2017 में ये प्राइज दिया गया था, मगर अभी इनको मिला है 2019 में। और इनके पिता को मारने के लिए 3 टेररिस्ट आए थे, तो जिसमें से एक को इन्होंने मार दिया था और 2 भाग गए थे, तो उसी लिए इनको साहसी के लिए शौर्य चक्र 2019 से मतलब कि नवाजा गया है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एबल प्राइज? एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो करण अहलेट बैक। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जान जाइए, एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज गोलन हाइट एज द इजराइल टेरिटरी? तो गोलन हाइट एक जगह है, तो इसको किस कौन से देश का सहमति मिल गया है कि ये इजराइल का जगह है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा युद्ध चलते रहता है, तो गोलन हाइट्स जो है ये यूएसए के द्वारा मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया है कि ये इजराइल का टेरिटरी है। एक करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 वाज ऑब्जर्व्ड विद द थीम फॉरेस्ट एंड एजुकेशन? तो इंटरनेशनल डे जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था? वन और शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट इज द न्यू रेट स्लैश्ड बाई द GST काउंसिल फॉर द कंस्ट्रक्शन फ्लैट ड्यूरिंग इट्स 34th GST काउंसिल? GST काउंसिल द्वारा अपने 34th GST काउंसिल के दौरान निर्माण फ्लैट के लिए नई दर क्या है? तो 5%। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑनर्ड विद द व्यास सम्मान 2018? तो व्यास सम्मान से किसको नवाजा गया है? तो वो लीलाधर जगूड़ी हैं। इनको पोयम लिखते थे, राइटर हैं, टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए इनको राइटिंग किए थे पोयम, पोयम के लिए ही मिलता है व्यास सम्मान, तो इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। काजकिस्तान रीनेम्स इट्स कैपिटल अस्थाना एज, तो काजकिस्तान का पहले कैपिटल क्या था? अस्थाना था, अब उसको बदल के क्या कर दिया गया है? नूर सुल्तान कर दिया गया है, और नूर सुल्तान 30 साल तक काजकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इंडिया बैग्स 368 मेडल इन द स्पेशल ओलंपिक गेम 2019, इट इंक्लूड हाउ मेनी गोल्ड मेडल? तो इट इंक्लूड 85 मेडल, मतलब कि 85 गोल्ड मेडल जीता है, और जो स्पेशल ओलंपिक गेम हुआ है 2019, ये अबू धाबी में हुआ है। ए तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। आपको पता है कि स्टैटिक क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री से चालू किए थे, तो हिस्ट्री का आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अब। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले हम ऑलरेडी आपको 80 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, अशोका ने तीसरा बौद्ध परिषद को कहाँ बुलाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। तो यहाँ पर चार काउंसिल हुआ था, ये चारों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला काउंसिल हुआ है 483 BC में, और ये कहाँ पर हुआ है? राजगीर में हुआ है, राजगीर में हुआ है, और इसके उस समय रूलर कौन थे? अजात शत्रु रूलर थे। सेकेंड कब हुआ है? 383 BC में, और ये कहाँ पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। उस समय रूलर कौन थे? काला अशोक जो थे वो रूलर थे। थर्ड काउंसिल हुआ है 252 से 250 BC आपको मिलता है, और ये हुआ है पाटलिपुत्रा में, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ठीक है। और इस समय रूलर कौन थे? अशोक थे। और चौथा, जो कि बहुत कम लोग को पता होगा कि चौथा जो है ये हुआ है 78 AD में, और ये कहाँ पर हुआ है? कश्मीर में हुआ है, ठीक है, ये कश्मीर में हुआ है। और आपको एक बात और यहाँ पर बता दें, ये पूछा जाता है, और कश्मीर में जो हुआ है इसके रूलर थे कनिष्क जो थे वो रूलर थे। तो ये चारों आपको मीटिंग हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु प्रोपोंडेड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के दुख के अंत के लिए अष्टगिक मार्ग किसने प्रस्ताव किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ भी जान जाइए, इनका जन्म कब हुआ था ये भी कितना जगह पूछ दिया है, तो 563 BC में हुआ था। ये कौन से डायनेस्टी से थे? ये शाक्या डायनेस्टी से थे। इनकी जो माता थी वो कौन से डायनेस्टी से थी? वो कोसला डायनेस्टी से थी, और ये बहुत जगह पूछा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, सिद्धार्था नाम था इनके बचपन का। और देखिए इनका गोत्र था गौतम, इनके घोड़े का नाम एक बार पूछ लिया गया है आपको उत्तर प्रदेश में, उसको भी याद रखिए। तो इनके घोड़े का नाम था कंटका, और जो इनके काउंसिल हुआ था वो सारा ऑलरेडी आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द नंबर सिस्टम 0 वाज इन्वेंटेड बाई, तो जो शून्य है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आर्यभट्ट द्वारा। इनके नाम पर सैटेलाइट भेजा जा चुका है इंडिया की तरफ से, ठीक है, पहला सैटेलाइट जो इंडिया भेजा था इन्हीं के नाम पर भेजा गया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, द लैंग्वेज यूज टू राइट द सोर्स मटेरियल इन द एनिशेंट टाइम वाज, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो ये पाली थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वेयर डिसाइडेड टू, तो जो चोला टेम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा जो चोला टेम्पल बना है वो शिवा, मतलब कि शिव भगवान के ऊपर बना है, शिव भगवान का उसमें मूर्ति है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, बहादुर शाह वाज द, बहादुर शाह कौन थे? तो ये लास्ट मुगल रूलर थे, और 1857 के क्रांति के बाद आपको पता है कि इनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर ये मरे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ
अकबरवाज अकबर के शासन के दौरान राजस्व समझौता का नौ प्रवर्तन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। तो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट जो होता था पहले जो अकबर के दरबार में, वो राजा टोडरमल द्वारा देखा दिया जाता था, मतलब कि देखा जाता था, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं। तो उसी तरह इनके दरबार में ये नौ रत्न हुआ करते थे। नौ रत्न में से ये सारे जितने भी नाम हैं, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, ये सारे नौ रत्न में ही आते थे। तो उसी में फाइनेंस का जो रेवेन्यू का सेटलमेंट राजा टोडरमल देखते थे। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। नेम द किंग हु इन्वेंटेड दिल्ली एंड प्लंडर द कोहिनूर डायमंड। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर डायमंड लूट लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। तो पीकॉक थ्रोन जो था, कोहिनूर हीरा, वो सारा लूट के नादिर शाह द्वारा ले गया गया था। तो एक करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी राजरोस वाज रिटेन बाई, पृथ्वी राजरोस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदई। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 90 देखते हैं। क्वेश्चन 90 कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। क्वेश्चन 90 है, द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन, महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं। तो हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी है कहाँ पर? कर्नाटका में है हम्पी अभी। और विजयनगर का इसका फाउंडर कौन थे? विजयनगर के फाउंडर कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। इसको भी याद रखिएगा, हरिहर बुक्का जो थे ये विजयनगर के फाउंडर थे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेशन में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इसका जरूर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इन इंडिया। हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए गौरी सावंत, बी मधुबाई, सी रीना देवी या डी सोनी कुमारी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कॉमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। चलिए।